7 बज गए हैं। देवयानी ने मेरी बहू पूजा के अंदर प्रवेश कर लिया होगा। अब जल्दी चलिए ना। अगर दखल देगी तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। देखा आपने, ये शैतानी आत्मा कैसे पूजा पे कब्जा किए बैठी है। आप कुछ भी कीजिए, लेकिन मेरी पूजा को बचा लीजिए। तेरी पूजा को तो ये बचा लेगी, लेकिन मेरे गुस्से से तुझे कौन बचाएगा। रुको, इसे आराम करने दो। तुम मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। आपकी बहू पूरी तरह से देवयानी के कब्जे में है, और देवयानी एक ताकतवर शैतानी रूह है। इस मामले को जल्दी सुलझाना मुश्किल है, थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन हमारी पूजा ठीक तो हो जाएगी ना। जरूर ठीक हो जाएगी, लेकिन अभी हमारी छोटी सी गलती से उसकी जान को खतरा हो सकता है। क्या मतलब? देवयानी बहुत गुस्सैल है। वो गुस्से में पूजा के शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है। हमें बहुत ही सावधानी से सब काम करना होगा। आप मुझ पर भरोसा रखिए, मैं आपकी बहू को उस प्रेत आत्मा से मुक्त कराकर रहूंगी। अब पूजा की जिम्मेदारी मेरी है, आप जाकर आराम कीजिए। पूजा की देखभाल मैं करती हूं। मालिक अगोरी बाबा ने मुझे आपकी सेवा के लिए भेजा है। आज से आप मेरे मालिक। बताइए क्या हुक्म है मेरे लिए। तुम्हें उस बुढ़िया पर नजर रखनी होगी,
वो हर वक्त मेरे खिलाफ साजिश रचती रहती है। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आज के बाद वो बुढ़िया मेरी मर्जी के बगैर एक सांस भी नहीं ले पाएगी। लेकिन तुम्हें इस घर में होने वाली हर हरकत पर नजर रखनी होगी, क्योंकि ऐसा करना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। हर रोज एक से दो के बीच मुझे अपने घर जाना पड़ता है। मैंने कहा ना, आज से आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। इस घर में होने वाली छोटी से छोटी हरकतों पर मैं नजर रखूंगी। गुड मॉर्निंग बीजी। गुड मॉर्निंग बेटा। ये लो चाय। और तेरी चाय कहाँ है? लो, भूल गए? आज मेरा व्रत है और दोपहर में पंडित जी पूजा कराने आने वाले हैं। बेटा तूने ये बड़ा अच्छा किया है कि पूजा दिन में रखी है, वरना देवयानी कोई ना कोई बखेड़ा जरूर शुरू कर देती। हाँ बीजी, जानती हूँ। बेटा अगर विक्रम को भी पूजा में बिठा लेती तो अच्छी बात थी ना। हाँ बीजी, आप ठीक कह रही हैं। मैं अभी जाते ही विक्रम से बात करती हूँ। लेकिन आप अपना सारा नाश्ता खत्म करना। हाँ, पूरा खत्म कर दूंगी। जा रहे हो? अब अच्छा विक्रम, मैंने आज व्रत रखा है फिर से। हाँ, और इसीलिए मैं चाह रही थी कि तुम ऑफिस से जरा जल्दी आ जाओ, ताकि हम दोनों पूजा में साथ में बैठ सके। कोशिश करूंगा। वैसे आज कुछ खास पूजा है क्या? हाँ, एक्चुअली पूजा मैंने इसलिए रखी है ताकि हम दोनों के प्यार को किसी की नजर ना लगे। तब तो मैं जरूर आऊंगा। ओके, बाय। हरिओ मीड़ा देवहूर्मनुर्यज्ञनिर्बृहस्पति रुद्रामदानि सराशिजर विश्वे देवाः सूक्तवाच पृथ्वीमातरमामायिनी मधुवक्ष्यामि मधुवदिष्यामि मधुमतीभ्यो वाचमुद्यासगं शुश्रूषेन्द्रियामस्तम्मा बहुत होशियार समझती है अपने आप को। सोचती है कि एक छोटा सा व्रत रखने से मुझसे ज्यादा ताकतवर हो जाएगी, मुझसे मुकाबला कर सकेगी। नहीं, ये व्रत तुम्हारी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं लाएगा, बल्कि तुम्हारी मुश्किलों को और भी बढ़ा देगा। आपका काम हो जाएगा। वो नादान लड़की इतना भी नहीं जानती कि पूजा हो जाने के बाद भी पूजा भंग हो सकती है। इति आचार्य स्थले प्रायश्चित्त प्रयोगः समाप्तः। ओम एम रीम क्लीम करतले करपृष्ठेभ्यो नमः। तिलक लगा लीजिए।
ओम भूर्वस्वा ओम तत्सद्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बेटी, अब तुम्हारा ये व्रत पूरा हुआ, अब इस नैवेद्य को खाकर तुम तुम्हारा व्रत समाप्त कर सकती हो, लेकिन ध्यान रहे ये पूरा भोग तुम्हें अकेले ही खाना है और इसे खाने के बाद ही तुम्हारा ये व्रत संपूर्ण हो जाएगा। इति आचार्य स्थले प्रायश्चित्त करिष्ये। जा पुत्र, अपना व्रत खोल ले। प्रसाद ग्रहणम करिष्ये। पूजा, देखो पूजा, I'm sorry, मैं इस वक्त घर नहीं आ पाऊंगा। तुम्हारी पूजा हो गई? हो गई। क्या विक्रम, तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? पूजा, देखो सॉरी कहा ना? इस वक्त मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास तुम्हें मनाने का समय नहीं है। ओके, शाम को मिलते हैं। ठीक है ठीक है। अच्छा ये बताओ, तुम शाम को तो जल्दी आओगे ना? हाँ, कोशिश करूंगा। बाय बाय। वो भोग की प्लेट यही तो रखी थी, कहाँ गई? पूजा बेटा, भोग मेरे पास है, मैंने सोचा अपने हाथों से अपनी बेटी को खिलाऊंगी। मालकिन, एक बार फिर आपकी जीत हुई। वो कैसे? मैंने पूजा भंग कर दी, मैंने भोग बदल दिया। जो भोग पूजा के लिए बना था वो उसके हाथ तक पहुंचा ही नहीं। शाबाश भारिणी, अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि तुम्हारे होते हुए मुझे इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। मेरा घर जाने का वक्त हो गया है, तुम अपना काम पूरी होशियारी से करना। पूजा, पूजा बेटा, मैं अभी बाबा जी के यहाँ से होके आ रही हूँ, तुझे जरूरी बात बताना चाहती हूँ। जी, यहाँ कुछ मत कहना, वो देवयानी यहीं कहीं होगी। हम एक काम करते हैं, हम मंदिर में चल के बात करते हैं। अरे बेटा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, देवयानी अभी यहाँ नहीं आएगी। क्यों? इसलिए कि वो रोज इस वक्त अपने घर जाती है। घर जाना होता है? घर जाना होता है मतलब क्या? बेटा, बाबा जी ने भी मुझे यही बात समझाने के लिए बुलाया था। उन्होंने कहा था ये भटकती हुई आत्माएं उसी वक्त उसी जगह पहुँचती है जहाँ उनकी मौत हुई थी, और उन्होंने अपनी शक्तियों से भी पता लगा लिया है कि देवयानी की मौत 1 और 2 के बीच हुई थी, और अपने घर पर ही। ओ, तो इसका ये मतलब है कि रोज दोपहर 1 से 2 के बीच देवयानी यहाँ नहीं होती। हाँ बेटा, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि देवयानी की गैर मौजूदगी में हमें पूरा पूरा फायदा उठाना चाहिए। क्या हुआ भारिणी, बहुत परेशान लग रही हो? जी मालकिन, बात ही कुछ ऐसी है। वो बुढ़िया तो बहुत ही चालाक थी। अब क्या किया उस बुढ़िया ने
मालकिन उसे पता चल गया है कि आप दोपहर में एक से दो के बीच घर जाती है। अब वो दोनों मिलकर इस मौके का फायदा उठाना चाहती है। तो वही हुआ जिस बात का मुझे डर था। अब तुम्हें पहले से भी ज्यादा चौकन्ना रहना पड़ेगा ताकि वो लोग मेरी गैर मौजूदगी का फायदा ना उठा सके। लेकिन ये खबर बुढ़िया को मिली कैसे? अब ये बात तो वही हमें बता सकते हैं। इस सच्चाई का पता तुम्हें लगाना है और उस बुढ़िया का विश्वास जीतना है। और उस विश्वास का फायदा उठाकर उस बुढ़िया को आपके रास्ते से हटाना होगा। और ये सब करने के लिए तुम्हें क्या करना है जानती हो ना? तू चाहे कुछ भी कर ले, मैं ये घर छोड़ के नहीं जाऊंगी। तुझे जाना होगा, तुझे पूजा को छोड़कर जाना होगा, मैं तुझे भस्म कर दूंगी। ओम नमो ह्रीं क्लीं स्वाहा, ओम नमो ह्रीं क्लीं स्वाहा। आज तो मैं यहां से जा रही हूं, लेकिन मैं वापस आऊंगी। मुझे इस घर से कोई नहीं निकाल सकता क्योंकि ये मेरा घर है। विक्रम मेरा पति है, उसके साथ सातवां फेरा मैंने लिया है। आपने बहुत बड़ा एहसान किया है हम पर। आप तो हमारे घर में भगवान बन के आई हैं, वरना पता नहीं हम लोगों की क्या। मुझे इस दिव्यानी का कुछ इंतजाम करना होगा। मैं अपने कमरे में जाती हूँ। ये मैं किसे अपने घर ले आई हूँ? ये तो खुद ही चुड़ैल है। लगता है पारणी का इस घर में आना देवयानी की ही चाल है। माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरी पत्नी पूजा ने मेरे लिए एक व्रत रखा, मेरी भलाई के लिए। पूरे दिन भूखी प्यासी रही और मैं इतना सेल्फिश हूं कि उसके बुलाने पर भी पूजा के लिए नहीं आ पाया। अब वो मुझसे बहुत नाराज है माँ। प्लीज उसे कहो ना कि वो मुझे माफ कर दे। इनसे कह दीजिए इन्हें माफी सिर्फ एक ही शर्त पे मिलेगी, अगर ये आज दोपहर 1 बजे
मेरे साथ लंच करें तो बस इतनी सी बात डन। पूजा ये क्या कर रही हो, वो भी देवी माँ के सामने। अब तुम्हें देर नहीं हो रही, जाओ। चलो तुम्हें 1 बजे मिलता हूँ, ओके? पूजा बेटा अच्छा हो तो मुझे यहाँ मिल गई, बहुत जरूरी बात करनी है तुझसे। क्या बात है बीजी, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? बेटा मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, जिसे मैं इस घर में रक्षक बना के लाई थी वो तो बहुत बड़ी भक्षक निकली। भक्षक निकली? आप किसकी बात कर रही हैं? मैं भारिणी की बात कर रही हूँ बेटा, वो सात्विक तांत्रिक नहीं है, वो तो बहुत बड़ी चुड़ैल है। चुड़ैल है? मैंने अपनी आंखों से उसका असली रूप देखा है, शीशे में उसका असली रूप देखा है और सिंदूर पर छपे उसके उल्टे पांव के निशान भी देखे हैं। इसका ये मतलब है कि भारिणी यहां हमारी मदद नहीं बल्कि देवयानी की मदद करने आई है। हाँ बेटा, लेकिन तू फिक्र मत कर, भारिणी ने हमें बेवकूफ बनाया है ना, हम भी उसे बेवकूफ बनाएंगे। बीजी मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, विक्रम दोपहर को घर आने वाले हैं, कहीं वो भारिणी कोई गड़बड़ ना कर दे। मैंने कहा ना भारिणी को मैं देख लूंगी, लेकिन इस बात की भनक भारिणी को नहीं मिलनी चाहिए, बाकी मैं सब संभाल लूंगी। हाँ बीजी। मेरे जाने का वक्त हो गया है भारिणी, और मुझे पूरा यकीन है कि मेरे जाते ही वो बुढ़िया कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करेगी, उस पर नजर रखना। जी मालकिन। आप, मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। क्यों, क्या हुआ? मैं काली माँ के मंदिर जा रही हूँ, आप चलेंगे मेरे साथ? मैं कहीं भी अकेले जाने में बहुत डरती हूँ देवयानी की वजह से। पूजा को अकेले छोड़कर मैं नहीं जा सकती। नहीं नहीं, आप पूजा की फिक्र मत कीजिए, पूजा मंदिर में है और जब तक पूजा मंदिर में है ना उसे देवयानी से कोई खतरा नहीं। लेकिन वो क्या है ना, आजकल जो मैं साधना कर रही हूँ उसमें मेरा किसी भी मंदिर में जाना मना है, मैं आपके साथ नहीं जा पाऊंगी। नहीं नहीं ऐसा मत कहिए। अच्छा एक काम कीजिएगा, आप मंदिर के बाहर खड़ी रहिएगा, आप मेरे साथ चलिए, मुझे देवयानी से बहुत डर लगता है। अच्छा नमो ह्रीं क्रीं स्वाहा, ॐ ह्रीं क्रीं स्वाहा।
ओम ह्रीम क्रीम स्वाहा, ओम ह्रीम क्रीम स्वाहा। ये क्या है भारणी जी? मेरी अनुपस्थिति में ये पूजा की रक्षा करेगा। अच्छा, ओए होए, मैं पूजा की थाली लाना तो भूल ही गई। आप थोड़ा रुको, मैं अभी आती। ओम भर्गो देवस्य धीमे धी योनिम प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्व तस्वितुरण्यं भर्गो देवस्य धीमे धी योनिम प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्व तस्वितुरण्यं भर्गो देवस्य धीमे धी योनिम प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्व तस्वितुरण्यं भर्गो देवस्य धीमे धी योनिम प्रचोदयात्। आप देखते हैं पूजा को और विक्रम को कौन मिलने से रोकता है। क्या बात है, आज मुझे मेरी पुरानी पूजा दिखाई दे रही है। मतलब अब समझी, वही पुरानी पूजा, छुई मुई सी, बात बात पे शर्मा जाने वाली। कहां छुपा के रखा था मेरी पूजा? कहीं छुपा के नहीं रखा था विक्रम, वो बस कहीं खो गई थी। लेकिन आज तुम्हारी बाहों में आकर वो फिर से जिंदा हो गई। पूजा, प्लीज मत रो। आई प्रॉमिस, मैं अपनी पूजा को कभी नहीं खोने दूंगा, कभी नहीं। क्या बात है, इस घर में इतना सन्नाटा क्यों है? भारिणी, भारिणी कहाँ हो तुम? क्या कर रहे हो? मैं खुद भी कर लूंगी। तुम्हें देर नहीं हो रही, ऑफिस नहीं जाना? अच्छा, अब देर हो जाएगी। विक्रम जाओ। बाय।
क्या हो रहा है ये सब पूजा? तुमने मेरे साथ धोखा किया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति को हाथ लगाने की? देवयानी, जो होना था वो तो हो गया, अब तुम कुछ नहीं कर सकती। देवयानी, तुम मेरे शरीर पर कब्जा जरूर कर सकती हो, लेकिन मेरी आत्मा और दिमाग तुम्हारे इन शैतानी इरादों से कहीं ज्यादा ताकतवर है। तुम आज तक मुझसे मेरा हक छीनते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अच्छा, तो अब तुम मुझे धमकी दे रही हो? धमकी नहीं, मैं तुम्हें चैलेंज कर रही हूं देवयानी। आज पहली बार मैंने विक्रम के प्यार का साकार रूप देखा है। और तुम सही कहती थी देवयानी, विक्रम सच में मुझसे बहुत प्यार करता है। तुम विक्रम के शरीर पर तो काबू कर सकती हो, लेकिन विक्रम के मन पे तुम काबू नहीं कर सकती, क्योंकि वो प्यार सिर्फ मुझसे करता है। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि मेरे पति का प्यार मेरे साथ है। देवयानी, अगर मैं विक्रम को यह बता दूं कि उसके साथ हर रात मैं नहीं बल्कि तुम होती हो, तो पता है क्या, वो इस शरीर को हाथ तक नहीं, क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करता है। और वैसे देवयानी, देखा जाए तो तुम्हारा तो कोई वजूद ही नहीं है, क्योंकि विक्रम के पास जाने के लिए भी तुम्हें मेरी ही जरूरत पड़ती है। मेरी एक बात ध्यान से सुनो देवयानी, तुम विक्रम के शरीर को हासिल कर सकती हो, लेकिन विक्रम के प्यार को तुम कभी हासिल नहीं कर पाओगी। पूजा, क्या हो गया तुम्हें? कुछ नहीं, बस जरा सा चक्कर आ गया था। आओ आओ, बैठो बैठो बैठो। तू अपना ख्याल बिल्कुल नहीं रखती, वरना इस तरह से चक्कर नहीं आते तुम्हें। तुम परेशान मत हो, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। तुम ऑफिस जाओ। ओके, तुम अपना ख्याल रखना, ठीक है? बाय।